उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट में भी चुनाव होना है, जिसके लिए 13 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। हमारे साथ प्रयागराज जिले के वोटर्स हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो तारीखें आई हैं इसके बाद अब क्या सीन बन रहा है। अब सीन क्या बन रहा है, चुनाव मजबूती से लड़ेंगे प्रत्याशी और सपा कांग्रेस का गठबंधन में चुनाव जीता जाएगा और मजबूती से, और जिस तरीके से जो है चुनाव चल रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग का जो आया है 13 तारीख को, और उससे तो स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आयोग तो जो है उसकी मंशा ठीक नहीं है। आपकी पार्टी की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट है। कांग्रेस फिलहाल ये सीट चाह रही थी, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश ने घोषित कर दिया है प्रत्याशी। लेकिन फिर भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, हमारा संगठन पूरा खड़ा है, और हम पिछला लोकसभा के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 18,000 वोटों से जीते भी थे फूलपुर में, और निश्चित रूप से इस बार जो है 25,000 से जीतेंगे। लीड पर है आपकी तैयारी? हमारी समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी तरीके से, जब लोकसभा का रिजल्ट आया उसके बाद से हम लोग बाई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उम्मीदवार भी घोषित हो चुका है मुस्तफ़ा सिद्दीकी, जो विगत पिछले 2022 में कल लगभग 17-1800 वोट से वो हार गए थे, किसी कारण वो सीट सत्ता के लोगों ने ले लिया था। और आज मैं पूरी तैयारी के साथ इंडिया गठबंधन, जो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन के साथ हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और ऊपर वाले ने कहा तो हम लोग बहुत वोटों से चुनाव जीतेंगे और अच्छी मार्जिन के साथ, क्योंकि अभी हमने लोकसभा में विधानसभा चुनाव लगभग 17। लेकिन इस बार तो आपके प्रत्याशी का नामांकन भी नहीं हुआ, नाम आया है उसी के साथ पार्टी के अंदर ही बगावत हो रही है? कोई बगावत नहीं, वो कुछ लोग टिकट के चक्कर में पैसे से मैनेज करके 10-20 लोगों को भेज करके बगावत करना, ये पार्टी के अंदर के लोग ही मैनेज कर रहे हैं? नहीं, पार्टी में कुछ नए लोग आ गए हैं जो उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, उन लोगों ने पैसा खर्च करके विरोध कराया है, और वो दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो जो है अब जानते हैं आप, पैसे की माई पहाड़ चढ़ती है, तो पैसा दे करके विरोध कराना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोकतंत्र में हर चीज़ जायज़ है, पक्ष और विपक्ष सब चलता रहता है। अच्छा, अब विरोध नहीं है तो नेता नहीं है, इसीलिए विरोध हुआ तो इसीलिए मुस्तफा मजबूत है। जी जी, तैयारी अच्छी है, इनका कहना है कि हमने तो सबसे पहले बाजी मार ली है, और समाजवादी पार्टी पहली पार्टी है जिसने की ऐलान कर दिया अपने प्रत्याशी के नाम का, बीजेपी बहुत पीछे है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की इनकी आदत है, और याद से नहीं काफी पहले से है, इनको अच्छे से पता है कि जनता इनको नकार चुकी है, और नकारने का कारण कि झूठ का पुलिंदा लेकर के समाजवादी पार्टी, क्या तैयारी पार्टी की है? हमारी पूरी तैयारी है, जो भी प्रत्याशी यहाँ घोषित होगा उसके लिए हम लोग एकदम पहले से ही घर घर पर तैयारी करके बैठे हैं, और चुनाव का मतलब लाखों वोटों से जीतने की तैयारी करके बैठे हैं। इस उपचुनाव में इनको ये महसूस हो जाएगा कि जितना भी ये गलतफहमी में थे, जैसे अभी हरियाणा में ये लोग काफी गलतफहमी में थे, सारी गलतफहमियां इस चुनाव में खत्म हो जाएंगी इनकी। ये कांग्रेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? कांग्रेस को तो सीट काफी लोगों को जानकारी भी नहीं, कांग्रेस पूरे 10वीं सीट पर लड़ रही है। गठबंधन टोटल अभी बात अभी बड़े नेताओं ने बताया कि गठबंधन खत्म हो गया है, अब कांग्रेस 10वीं सीट पर लड़ रही है। तो सपा हमारी तरह दोनों लड़ेंगी? हाँ भाई, सपा लड़े ना लड़े, लेकिन कांग्रेस हर 10वीं सीटों पर लड़ेगी, और तैयारी हमारी आप देखे हैं, संविधान बचाओ संविधान सम्मान समारोह हुआ था, और कांग्रेस अपना अलग से किए थे कार्यक्रम, कांग्रेस इसीलिए पूरा बूथ से लेकर पूरा मैनेजमेंट और सेक्टर अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सारे सिस्टम बना लिए हैं यहाँ पर अपना, और वो अलग से लड़ेगी, ये कन्फर्म हो गया है। कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी भी लड़ रही है, दोनों साथ साथ लड़ेंगे? ये भैया जो कार्यकर्ता है, नेता है, जो कमर्शियल टाइप के लोग हैं उनसे बात करना देता है, और ये लोग सपना देख रहे हैं, और इनके यहाँ जो इनका राष्ट्रीय नेता के सहयोगी जो पार्टी वो भी चुनाव लड़ रही है, कैसे सामंजस्य बनेगा? तमाम कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, ये लोग आस लगाए थे कि हमको गठबंधन से टिकट मिल जाएगा तो हम लोग विधायक हो जाएंगे, और इनको 2 सीट दी जा रही है, एक मीरापुर एक खैराबाद पश्चिम यूपी की, इन दोनों पे चुनाव ये लोग लड़ेंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास वर्कर भी नहीं है, ये उम्मीदवार ढूंढते अगर इनको सीट दे दिया जाए। हम बता रहे सर। जी जी, अब जैसे हरियाणा में आप ध्यान दें, हरियाणा में हम लोगों ने इनको एक भी सीट नहीं दिया, ये 5 सीट मांग रहे थे,
वहीं से गठबंधन में खटास आई है। उत्तर प्रदेश में एक मिनट सर, उत्तर प्रदेश में ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी जब हरियाणा में गठबंधन खत्म हो गया था, हमने एक भी सीट इनको नहीं दी थी, तो इन्होंने भी घोषणा कर दिया यहाँ पर कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ेगी। आप कल रिजल्ट देख लीजिए और कल पेपर में आ जाएगा, हमारे बड़े नेताओं ने बोल दिया है कि हम अलग लड़ेंगे 100 सीटों पर। जी देखिए दिनेश, आमने सामने भाई भाई दिनेश जी आमने सामने होना ही था, ये चोर चोर मौसेरे भाई थे और ये एकदम क्लियर है। आज ये क्लियर हो गए ना कि कांग्रेस और सपा अलग लड़ेगी, जब इनकी आइडियोलॉजी मिलती ही नहीं है तो ये लड़ाई किस लिए करे थे? दरअसल ये मोदी के विरोध में चले थे और इन्हें अपनी अपनी औकात पता चल गई, इसलिए भाग गए और ये इनको ये कहीं नहीं जीतेंगे। यही उदाहरण आप हरियाणा में देखिए, आप और कांग्रेस का जब गठबंधन नहीं हो पाया तो सीट किसको मिली? भाजपा को मिली। यही हाल ये यहाँ पहले किए थे, इन्हें सबक मिलनी चाहिए। हमारी तैयारी एकदम मजबूत है और फुल 1,00,000 वोटों से जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे फूलपुर के वोटर के मन में, क्या है? अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि 101% जीतेंगे। इंडिया इज ए मोदी, मोदी इज ए इंडिया। मोदी देखिए आपके साथ में जो लोग हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपस में आप लोगों को देखिए, ये काफी होश है, ये इलाहाबाद हमारे यहाँ तमाम पक्ष और पक्ष के लोग एक साथ एक दूसरे के सामने भाषण करेंगे पक्षों विपक्ष में, उसके बाद एक साथ बैठ के काफी ये तो ये खूबसूरती है। ये हमारे यहाँ लोकतंत्र की परंपरा है और इसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाएंगे। लेकिन देखिए जो आपकी सहयोगी पार्टी है वो तो कह रही है कि वो भी लड़ेगी पार्टी, तो मैंने आपको बता दिया। नुकसान किसका होगा? देखिए इनका हाईकमान जो कहेगा वही है, इनके कहने से क्या करना है। लेकिन कार्यकर्ता यही चाहता है, कार्यकर्ता सिर्फ ये चाहता है कि हर चीज हमारा हो जाए। पहले आप अपनी अपनी हैसियत देखो कि हम कहाँ पे खड़े हैं। इलाहाबाद में जो इस वक्त मौजूदा स्थिति में कांग्रेस का संगठन है, इनके पास संगठन नहीं है। संगठन इनके पास बहुत बड़ा था, फूलपुर में गठबंधन लड़े थे, हम प्रयागराज से लड़े थे, कांग्रेस प्रयागराज में जीत गई। यहीं पर जहां इनके बहुत बड़े पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष तक थे फूलपुर क्षेत्र गंगापार में, अब प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं बचा पाए समाजवादी। हरियाणा में हम इनको एक भी सीट नहीं दिए थे, यहाँ पर हम 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इन छोटे नेता हैं समाजवादी की, इनको लोगों को जानकारी नहीं ऊपर क्या हो रहा है। एक पर हाँ हर पार्टी बस यहाँ ये गुटबाजी में ही लोग रहते हैं, जात धर्म की बात करते हैं। नहीं है इनकी बात को आप ज्यादा गंभीरता से न लें, आने वाला समय आपको पता चल जाएगा। अब दिन दूर भी नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, रात में बैठेंगे तो सवेरे पहुंच ही जाएंगे। जी तो प्रयागराज में जो फूलपुर के वोटर्स हैं उनमें ज्यादातर का कहना, जो पार्टी से जुड़े हुए वोटर्स हैं उनका कहना है कि सभी की तैयारियां मजबूत हैं, लेकिन कांग्रेस भी यहां समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है। दिनेश सिंह, TVN, UP, प्रयागराज।